सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। पिछले कई दिनों से विवादों और राजपूत संगठनों का विरोध झेल रही संजय लीला भंसाली की पद्मावत अब 25 जनवरी को फाइनली रिलीज होने जा रही है। फिल्म को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। 4 राज्यों में बैन हुई इस फिल्म को अब पूरे देश में दिखाया जाएगा। फिल्म से जुड़े विरोध और विवाद तो आपको पता ही है। फिल्म में रानी पद्मावती बनने के लिए दीपिका को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। फिल्म के लिए दीपिका ने जो जेवर पहने हैं वो करीब 20 किलो के बताए जा रहे हैं। उनके कपड़े भी काफी वजनदार हैं। भारी भरकम कॉस्ट्यूम में ही दीपिका ने लंबे लंबे शूट किए हैं। दीपिका को रानी पद्मावती बनने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता था। इस फिल्म में दीपिका के लुक को खास तौर पर राजपूताना महारानी से मिलता जुलता दिखाया गया है। यही वजह है कि उनके इस लुक की तुलना राजपूताना रानियों की पुरानी पेंटिंग से भी हो रही है। बताया जाता है कि रानी पद्मावती की अधिकतर पेंटिंग्स में वाभी यूनिप्रो के साथ ही नजर आई हैं। दीपिका ने जो जेवर पहने हैं वो करीब 20 किलो के हैं। दीपिका के जेवर बनाने के लिए 400 किलो सोने को मोल्ड किया गया था। 400 किलो सोने का मौजूदा प्राइस करीब 11,79,00,000 बताया जा रहा है। कई लोगों को दीपिका पद्मावती के रूप में अच्छी लग रही है तो कुछ लोगों को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आ रहा है। यूनिब्रो के अलावा दीपिका की वार्डरोब और राजसी गहने भी उन्हें शाही बना रहे हैं। सुजीत, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।